Good morning friends, welcome to my channel IBBM Delhi NCR. मैं हूं आपका होस्ट सुधांशु सिंह. आज हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज शॉर्ट सेलिंग. शॉर्ट सेलिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर है फाइनेंशियल मार्केट्स का और इसके बारे में लोगों को कन्फ्यूजन है क्योंकि ये नॉर्मल मार्केट साइकोलॉजी या फिर नॉर्मल बिजनेस साइकोलॉजी से थोड़ा सा अलग है. आप ये ना सोचें कि आप शॉर्ट सेलिंग नहीं करते हैं. अगर आपके फादर, आप में से किसी के भी फादर बिजनेसमैन हैं तो वो नोइंगली या अननोइंगली या फिर किसी और लैंग्वेज में इसे बोलते हों लेकिन वो शॉर्ट सेलिंग करते हैं. शॉर्ट सेलिंग होती क्या है आज हम इसे समझेंगे और इसका पर्पस क्या है हम इसे भी समझेंगे. ठीक, सो लेट्स स्टार्ट. इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल IBBM Delhi NCR को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर बजाएं ताकि हमारे कंसिस्टेंट आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे. इससे आपको बेटर मार्केट इन्वेस्टमेंट्स के जो भी हम वीडियोस लेकर आएंगे आप उन्हें देख सकते हैं, समझ सकते हैं और आपकी मार्केट की नॉलेज काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो सकती है. तो हम समझते हैं नाउ कि व्हाट इज़ शॉर्ट सेलिंग. देखिए, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ एवरी ट्रेड. देखिए, पर्पज़ ऑफ एवरी ट्रेड इज टू बाय चीप एंड सेल हाई. नाउ दिस इज़ द पर्पज़ ऑफ ईच एंड एवरी ट्रेड. आप दुनिया में जो भी काम करते हो, जो भी चीज़ खरीदते हो, चाहे जो भी इन्वेस्टमेंट करते हो, उसका एक ही पर्पज़ है कि आप सस्ता खरीदिए और महंगा बेचिए. हमारे अंदर इनहेरेंटली ये है एक जो बिल्टअप की गई है साइकोलॉजी कि पहले आप खरीदते हैं और बाद में उस चीज़ को महंगा बेच देते हैं ताकि आपको प्रॉफिट हो. तो इसे ऐसे एग्जांपल कंसीडर करते हैं कि मान लीजिए आपने आईटीसी का शेयर 500 रुपये में ख़रीदा, पहले बाय किया, तो दिस इज़ फर्स्ट लेग ऑफ ट्रेड और फिर आपने उसे सेल कर दिया एट 550, दिस इज़ द सेकेंड लेग ऑफ ट्रेड एंड यू बुक्ड प्रॉफिट्स. तो ये एक नॉर्मल सिनेरियो है जो आप आमतौर पे कंडक्ट करते हैं. इसे ऐसे आप कह सकते हैं कि नॉर्मली हम यही काम करते हैं कि आपने पहले ख़रीदा और फिर बाद में उसे बेच दिया महंगे में और आपको प्रॉफिट हो गया. ये हमारी नॉर्मल साइकोलॉजी है लेकिन इसमें हम एक इनहेरेंट डिमांड करते हैं कि जो चीज़ हम खरीद रहे हैं हम उसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसका रेट बढ़ेगा. लेकिन व्हाट अबाउट अ सिचुएशन जिसमें वी आर एक्सपेक्टिंग कि प्राइस फॉल करेगा. देयर इज अ सिचुएशन जिसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइस गिरेगा. अब हम इसी का एग्जांपल ले लेते हैं आईटीसी के शेयर का कि वी आर एक्सपेक्टिंग नाउ इट इज़ गोना फॉल. तो हम ये बाय करेंगे ही नहीं. हम इस बाय को करेंगे क्यों? क्योंकि प्राइजेस आर एक्सपेक्टेड टू फॉल एंड दे आर एक्सपेक्टेड टू गो फ्रॉम 500 टू लेट्स से 450 और समथिंग लाइक दैट. मतलब वी आर एक्सपेक्टिंग कि प्राइजेस गिरेंगे, द प्राइजेस आर गोना फॉल. तो हम इस ट्रेड को एग्जीक्यूट ही नहीं करेंगे. लेकिन क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि फर्स्ट लेग ऑफ ट्रेड हम सेल की कर दें. देखिए, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ ईच एंड एवरी ट्रेड. फिर मैं बोलता हूँ बाय चीप सेल हाई. लेकिन आमतौर पर हम पे ये बिल्ट इन किया गया है कि हम पहले खरीदते हैं और बाद में उसे बेचते हैं तो हमें प्रॉफिट हो जाता है. दैट इज़ द नॉर्मल साइकोलॉजी जो हमारे अंदर बिल्ट इन की गई है. लेकिन क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि पहला लेग यानी फर्स्ट लेग मैं सेल कर दूं, दैट मींस पहले मैं सेल कर दूं जबकि मेरे पास ये प्रोडक्ट है भी नहीं, मैं इसे सेल कर दूं और बाद में इसे सस्ते में ख़रीद लूं. ठीक, लेट्स से 450 रुपीज़, सो दिस बिकम्स माय सेकंड लेग ऑफ ट्रेड और मुझे प्रॉफिट हो जाए. यस, दिस इज़ अलाउड इन द मार्केट. दिस इज़ अलाउड एंड दिस इज अलाउड बाय द एक्सचेंज कि आप ऐसा कर सकते हैं.
कि आप पहले बेचिए और बाद में खरीदिए। देखिए एक्सचेंज इसे इस तरह से हम थोड़ा सा एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। लेट्स कंसिडर अ एग्जाम्पल कि आप किसी होलसेल डीलर के पास लेट्स सपोज आप गोल्ड खरीदने गए, उसने कहा 10 ग्राम्स गोल्ड एट द रेट ऑफ 40,000 रुपीस पर 10 ग्राम्स, उसने आपको ये कोट कर दिया। आपने कहा ठीक है आप ये गोल्ड रेडी कीजिए, आपने उसे एडवांस भी दे दिया, लेकिन उसके पास ये गोल्ड रेडी ही नहीं था। द ओनर डिड नॉट हैड इट, द शॉपकीपर डिड नॉट हैड द गोल्ड। ठीक, उसके पास ये गोल्ड था ही नहीं, तब भी ही सोल्ड दिस गोल्ड, देन ऑल्सो ही सोल्ड द गोल्ड। वाई? क्योंकि उसे पता था कि वो सात वाली दुकान से इसे 39,000 में ला सकता है, तो अगर वो सात वाली दुकान से इसे 39,000 में बाय पॉसिबल, तो द शॉपकीपर मेक्स अ प्रॉफिट। और अगर उसे सात वाली दुकान से ये महंगा मिला तो ही वुड मेक लॉसेस ऑब्वियसली। उसका पर्पस क्या है कि उसने आपको 40,000 में बेचा है, तो वो सात वाली दुकान से इसे 39,000 में, 38,000 में, किसी भी प्राइस में एक्वायर करके आपके लिए ले आए। लेकिन उसके पास टाइम बाउंडेशन है, उसने आपसे 15 मिनट्स हाफ एन आवर का टाइम मांगा है, तो विद इन 15 मिनट्स हाफ एन आवर उसे आपको ये प्रोडक्ट डिलीवर करना है, नहीं तो उसे पैसे वापस करने पड़ेंगे। दैट इज द फॉर्म ऑफ शॉर्ट सेलिंग जो हम यहाँ करते हैं। एक्सचेंज बोलती है शॉर्ट सेलिंग स्ट्रिक्टली ऑन इंट्राडे बेसिस, यानी आप शॉर्ट सेलिंग को पोजिशनल कैरी नहीं कर सकते। अगर आपके पास ये प्रोडक्ट नहीं है फिर भी आपने इसे सेल किया है, तो इट इज कंपल्शन की मार्केट क्लोज होने, यानी बिफोर 3:30 जो मार्केट का क्लोजिंग टाइम है, आप बाय मस्ट, दैट मींस आपको इसे खरीदना जरूर पड़ेगा। अगर आपने यहां पर 500 रुपए में आईटीसी के शेयर को बेचा और आपका वो शेयर नीचे जाने के बजाय आपका रिसर्च गलत हो गया और वो ऊपर जाने लगा, तो भी आपको उसे खरीदना पड़ेगा और उस केस में आपको लॉसेस हो जाएंगे। बिकॉज द पर्पज ऑफ अगेन ईच एंड एवरी ट्रेड वॉज टू बाय चीप एंड सेल हाई। आपने कुछ नहीं किया, आपने सिर्फ पहले सेल किया और बाद में सस्ता खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपने पहला लेग सेल का किया और दूसरा लेग आपने बाय का करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यू आर एक्सपेक्टिंग द प्राइस टू फॉल। इस केस में आप फॉलिंग मार्केट में भी प्रॉफिट ले सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। सो दिस इज द चार्ट ऑफ निफ्टी फॉर वन डे, सो वील कंसिडर इट फॉर लेट्स से एनी डे। लेट्स मेक द कैंडल्स फॉर 5 मिनट्स। तो आपके पास ये 5 मिनट्स का चार्ट मैंने निफ्टी का लगा दिया है, जैसे आप देख सकते हैं। तो अब हम यहाँ कंसिडर करते हैं इस लोकेशन पर। ये सिर्फ समझाने के पर्पज से है, मैं कोई स्ट्रैटेजी अभी आपको नहीं बता रहा। इधर से यू आर एक्सपेक्टिंग निफ्टी टू फॉल, आप निफ्टी का फॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो ये कोई शेयर भी हो सकता है। तो लेट्स टॉक अबाउट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ताकि आपको समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। तो मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट लगा दिया है अब आपके सामने, आप देख सकते हैं। यहाँ से लेट्स सपोज फ्रॉम दिस कैंडल या दिस कैंडल यू आर एक्सपेक्टिंग द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टू फॉल। Now this is having a closing price of 258. आप यहाँ closing price यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर आप ये candle का closing price है 258.75. आपने कहा यहाँ से you are sure कि prices fall करेंगे State Bank of India के, लेकिन आप मुझसे कहेंगे मेरे पास तो State Bank of India है ही नहीं, तो आप उसमें से profit नहीं कमा सकते। एक्सचेंज बोलता है कि आप profit कमा सकते हैं, subject to consideration आप उसे same day buy कर लें। तो आपने यहाँ सेल किया एट 258.75 और प्राइसेस गिर गए और यहाँ गिरते गिरते 252 आ गए अप्रॉक्स, और आपने उसे यहाँ बाय कर लिया। तो जबकि आपके पास ये शेयर नहीं था, फिर भी आपने फॉलिंग मार्केट में 6 रुपये का प्रॉफिट कमा लिया। मैं फिर रिपीट करता हूँ, ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, ये सिर्फ आपको शॉर्ट सेलिंग समझाने के लिए मैंने एक पर्पज़ किया है।
अब इसका हम लॉस का एक दिन देखते हैं शॉर्ट सेलिंग के पर्पस से, ताकि आप फिर इसे समझ सकें शॉर्ट सेलिंग के पर्पस से अगेन। जैसे आप ये दिन देखिए, दैट इज 9th of October, यहाँ यू थॉट कि गिरेगा, या लेट्स टेक दिस पोजिशन, आपने कहा यहाँ गिरेगा, तो द क्लोजिंग प्राइस इज 246 रुपीज़ 90 पैसे, आपने इसे यहाँ सेल किया और वहाँ से वो गिरा भी, लेकिन यू डिड नॉट बुक योर प्रॉफिट्स और वहाँ से वो प्राइस ऊपर जाने लगा, तो आपने यहाँ पहले इसे बेचा था इन अ होप कि प्राइजेस गिरेंगे एंड यू वुड मेक प्रॉफिट्स, लेकिन प्राइस ऊपर जाने लगे तो भी आपको ये यहाँ पर लॉसेस देने लगा, क्योंकि आपने पहले बेचा है तो आप खरीदेंगे महंगे प्राइजेस पे, ऑब्वियसली तो आपको लॉसेस हो जाएंगे। तो यहाँ पर प्राइस पहुँच गया 260, तो आपने बेचा था 246 में और प्राइस पहुँच गया 260, तो आपको लॉस हो गया 14 रुपीज़ का। मैं ये नहीं कह रहा कि ये कंपल्शन है कि आपको यहीं बाय करनी है, आप कहीं पे भी अपना लॉस बुक कर सकते हैं, इधर 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 या यहाँ पर हो सकता है, मे बी आप यहाँ प्रॉफिट बुक कर लें अपना, प्रॉब्लम वो नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि शॉर्ट सेलिंग इज स्ट्रिक्टली फॉर इंट्राडे बेसिस और आपको इंट्राडे में उसे कवर अप ज़रूर करना है, वेदर यू आर इन प्रॉफिट्स और वेदर यू आर इन लॉसेस। आई बिलीव आपको इस शॉर्ट सेलिंग के बारे में काफ़ी कुछ समझ आ गया होगा। अगर इस वीडियो को लेकर आपकी कोई भी क्वेरी है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं उसका आंसर आपके लिए ज़रूर करूँगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए। अगर आप फर्दर वीडियोस हमारे देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल IBBM Delhi NCR को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा ये एक ऑथोराइज्ड इंस्टीट्यूट है, NSE ऑथोराइज्ड इंस्टीट्यूट, जो आपको आगे पढ़ने की भी फैसिलिटीज़ देता है इस मार्केट में। हमारी ऑफिशियल साइट है www.ibbm.co.in और mmifm.com। अगर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आना चाहते हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप अपनी क्वेरी सेंड कर सकते हैं, उस पर भी आपको आंसर मिलेगा। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा इसका कमेंट करना प्लीज़ ना भूलिएगा, क्योंकि उससे आने वाले समय में मैं आपके लिए बेटर वीडियोज़ विद बेटर एक्सप्लेनेशन क्रिएट कर पाऊँगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, हैव अ नाइस डे। साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, सुधांशु सिंह।